देख सकते हो अपनी दो बलेरो में से एक बलेरो रेडी हो चुकी है, मॉडल N10 रहने वाला है, यूपी से गाड़ी है। बाकी थोड़ी सी डिटेल विजय भैया बताने वाले हैं कि भैया कहां से आई और क्या क्या काम करके दिया। ये यूपी नंबर गाड़ी है, बात बाकी मैंने डिटेल पूछा नहीं कि यूपी में कहां से आए। ठीक है वो भी पूछ लूंगा। तो फ्रंट प्रोफाइल में कुछ भी नहीं लगा, ये भी शोरूम से लग के आया है। ठीक है, अपने पास भी ये स्टॉक अवेलेबल होता है। ठीक है, जिन भाई को लगवाना हो उनको मिल जाएगा। ठीक है भैया, बाद में की आप फोक लाइट N4 में हमसे लगवा सकते हैं या N10 में भी प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। इसके अंदर LED लगवा सकते हैं, फोक लाइट में LED लगवा सकते हैं, इसमें प्रोजेक्टर का भी ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, और ट्रिपल कलर वाली LED भी अपने पास है। ठीक है भैया, तो साइड से बात करते हैं विजय भैया। साइड प्रोफाइल में इस गाड़ी के अंदर फुटरेस लग के आते हैं। ठीक है, पर सेम फुटरेस N4 वाले बाइक के लिए हमारे पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, इसके साथ मेरे पास कम से कम 40 डिजाइन का फुटरेस एनी टाइम स्टॉक होता है क्रिस्टल कार के अलते। ठीक है, ठीक है, बलेरो ही नहीं, आप अदर किसी भी गाड़ी में हमसे साइड फुटरेस रियर गार्ड लगवा सकते हैं, छत पे करियर लगवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमने इसमें लगाया साइड में वो बता देता हूँ, ये हमारा साइड बीडिंग। ठीक है, पर आपके लिए ऑप्शन है, आप इस यहाँ पे क्लैडिंग भी लगवा सकते हैं और व्हील आर्क भी लगवा सकते हैं, महिंद्रा जैनमन। ठीक है, वो भी हमारे पास स्टॉक होता है। ठीक है, ये हमारी लोअर विंडो गार्निश है। ठीक है, जो कि 6 पीस में आता है या क्वार्टर ग्लास तक भी आता है ये पूरा। ठीक है भैया, जैसे कि आपकी ये बिडिंग नीचे का रबर का वो खराब नहीं होगा धूप पे और पानी से। ठीक है, इसी के साथ हमने 6 पीस में डुरवाइजर लगाया है। ठीक है भैया, ये आप महिंद्रा से N10 में भी लगवा लेते हैं तो आपको 3500 रूपए पे करना पड़ता है, 3700 रूपए। ठीक है, फिर भी आपको 4 पीस मिलता है और क्रोम नहीं मिलता। ठीक है, हमारे पास इसकी आधे प्राइस में आपको मिल जाएगा 6 पीस में। ठीक है, इसी के साथ हमने लगाया इसके अंदर रूफ रेल जो कि मैट ब्लैक है, डाइजेक्ट ब्रांड का है, आपको सामने डाइजेक्ट दिख जाएगा। इसी के साथ इसमें हमारे पास पियानो ब्लैक भी अवेलेबल होता है, ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन डबल कलर में भी अवेलेबल होता है। पीछे मैंने डाइजेक्स ब्रांड का रियर गार्ड लगाया है। ठीक है, फुल ब्लैक रहने वाला, ब्लैक ब्लैक मैट ब्लैक है, मैट ब्लैक के साथ आपको बिल्कुल मैचिंग हो जाता है, अलग नहीं दिखता रियर। ठीक है भैया, इसी के साथ इसे कैमरा कंपनी से लगा हुआ था, पर अपने पास भी ऑप्शन है, मैं दूसरी गाड़ी में आपको कैमरा दिखा दूंगा। हम यहाँ नहीं लगाते क्योंकि यहाँ लगाने के बाद आपकी गाड़ी में स्टेपनी स्क्रीन पे स्टेपनी का व्यू आएगा, हमारी कैमरा यहाँ लगता है जिससे कि डैमेज का भी चांसेस कम होते हैं और व्यू अच्छा दिखता है, उसमें स्टेपनी नहीं आता है स्क्रीन पे। ठीक है, स्पॉइलर आता है इसमें, स्पॉइलर N10 में लग के आता है, पर अपने पास N8 और N4 वाले भाई के लिए हर कलर एनी टाइम स्टॉक होता है महिंद्रा जैनमन एंड आफ्टर मार्केट। ठीक है, आफ्टर मार्केट में आपको लाइट भी मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ इसमें मैंने डंपिंग भी कराया है डबल लेयर ब्राजो का। ठीक है, डैम्पिंग देख, आप पेस्ट कर देने के बाद आपके शरीर में जितनी भी ताकत है उसको पूरी जान लगा के निकालोगे जब जाके निकलेगा। ठीक है, तो डैम्पिंग भी रहने वाली है। बाकी पीछे इसी के साथ हमने 11D फ्लोरिंग किया है जो फुल कवरिंग है आपके सामने, नीचे देख सकते हो भाई, फिनिशिंग फिटिंग बहुत ही सही रहने वाली है। और क्रोकोडाइल कुछ फिनिश रहने वाली है नहीं, ये क्रोकोडाइल नहीं है, क्रोकोडाइल में क्या होता है कहीं कहीं बेलक्रो लगता है, इसमें सारी बेलक्रो आता है। अच्छा, ठीक है, इसकी लाइफ ज्यादा होता है, मिल जाएगा भाई वो भी। ये हमारा सीट कॉर्ड की फिटिंग है, रेड थ्रेड के अंदर बीच में परफोरेटेड वाला कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है भैया, तो ये हमारे डिग्गी का ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। इसी के साथ मैं दूध की सीट की फिटिंग आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी आपको JBL का STH3 का कोएक्सियल स्पीकर हमने लगाया है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर भी हमने डबल लेयर डंपिंग किया जो कि ब्राजो ब्रांड का है। ठीक है, गोल्ड। ठीक है, तो वो भी रहने वाला है। बाकी ये बैक सीट देख लो, इसके साथ हमारा ये बैक सीट जो सोफा वाली सीट होता है उसकी फिटिंग है, इसके अंदर आर्मरेस्ट कंपनी से आता है, इसके अंदर भी फिटिंग देख लीजिए। आप काफी जगह देखते होंगे यहाँ पे चैन लगा देता है जिससे क्या होता है वो एनी टाइम के लिए ये ढक जाता है, आदमी आलस से चैन खोल के आर्मरेस्ट यूज ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, पर ये सवाल भैया का सीट कवर फिटिंग होने से पहले था कि भैया ये चैन तो नहीं लगाओगे, मैंने बोला नहीं, जैसा आपका ओरिजिनल है उसी में आप सीट कवर लगाएगा। भैया भी मेरे पीछे खड़े, भैया यही बात आपने मुझसे पूछे थे ना कि चैन लगाओगे है ओपन दिखाओगे, बोला ओपन, तो ये हमारी ओपन फिटिंग। N4 के लिए अपने पास हर गाड़ी में, पर जिन भाई के पास N4 गाड़ी है या N8 दोनों में आर्मरेस्ट पीछे नहीं आते हैं
और पर उनको बिल्कुल तसल्लीपूर्वक आना होगा टाइम निकाल के, जब जाके मैंने उस गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट भी फिट कर दूंगा जिसके अंदर की ग्लास होल्डर भी होगा। चलो भाई, तो वो ऑप्शन भी है, N4 वाले भाई जो हमारे वो चाहे तो लगवा सकते हैं। बाकी एक बार फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट पे क्या क्या करा है। डोर के अंदर भी हमारा डबल लेयर डंपिंग हुआ है ब्राजो का गोल्ड, और इसमें हमने लगाया है स्टेज 3 का 500 वाट का कंपोनेंट स्पीकर, जिसकी स्पीकर और क्रॉसओवर की फिटिंग डोर के अंदर हुआ है, जहाँ कंपनी की जगह होता है उसी जगह पे सेम फिटिंग किया गया है कपलर टू कपलर। ठीक है भैया। साथ ही साथ ट्विटर का फिटिंग हमारा डोर पैनल में आपको पिलर के अंदर कंपनी महिंद्रा जगह यहाँ देता है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है भैया। इसी के साथ हमारी ये सीट कवर की फिटिंग है, फ्रंट की सीट देख लो, कुछ हाई सपोर्ट के साथ। आप हमसे किसी भी दुकानदार को 2000 1000 फालतू भी दे दोगे जब भी आपको भाई ये फिटिंग कोई करके नहीं देगा। ये काम जब आप अपनी गाड़ी में करा लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये चीज मैंने वीडियो में क्रिस्टल कार का देखा था, जो कि मेरी गाड़ी में पैसे खर्च करने के बाद भी मजा नहीं आया। तो ये हमारी थाई सपोर्ट के साथ फिटिंग है। अगर ऐसी फिटिंग चाहिए आप लोगों को तो सीधा एक नाम जोड़ याद रखिए, आप अपने मन में क्रिस्टल कार किया। तो भाई ये सीट कवर देख लो, थाई सपोर्ट के तो वैसे भी हम कोई पैसे नहीं एक्स्ट्रा चार्ज करते, कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं है, ये बात आप कस्टमर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। ठीक है। इसी के साथ इसमें कैनवुड का 6 इंची का स्क्रीन लग के आता है, FM प्लेयर। ठीक है, जिसके अंदर आज के जमाने में पहले जैसे कैसेट प्लेयर चलता था, उसके बाद CD आया, CD के बाद पिन ड्राइव आया, तो अब पिन ड्राइव भी कोई यूज नहीं करता, अब तो एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो YouTube का जमाना आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसके अंदर उसमें कुछ नहीं चल रहा था, बस FM चलता था, और पेन ड्राइव खरीदो पहले वीडियो डाउनलोड करो फिर वीडियो चलाना है तो चला, वो भी वीडियो महिंद्रा ने उसकी ऑप्शन बंद कर देता, उसमें वीडियो भी नहीं चलता, तो भैया ने उसको भी निकलवाया है। इसके अंदर लगाया है मेगा ऑडियो का ट्रोनी ब्रांड का 232 विद एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो, और वो भी दोनों चीज वायरलेस। तो ये इसमें रहने वाला है पियानो फिनिश, फिटिंग भी जो है पियानो फिनिश के साथ, और कोई गैपिंग नहीं होगा फ्रेम में, कोई कुछ नहीं होगा। ये कुछ ऐसा फ्रंट का आपको दिख रहा होगा, बाकी उधर से मैं देखूं तो फ्रंट की उधर की सीट भी बहुत ही बढ़िया फिटिंग आ रही है। जैसे भी भैया स्टेयरिंग रैप किया है, पर इस गाड़ी में भैया ने हाफ स्टेयरिंग रैप किए करवाए हैं, अगर फुल कराए तो सारा पोर्शन कवर हो जाता है। दूसरी गाड़ी में फुल स्टेयरिंग कवर हमने लगाया है, वो अभी आपको दिखा देंगे। वहाँ पर 3 बोलेरो खड़ी है, आपको एक एक करके तीनों का काम दिखाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हमने सनग्लास होल्डर नहीं लगाया, एक होता है बजट, तो भैया की बजट जो भी होगा उसके अगेंस्ट उन्होंने मना कर दिए होंगे, तो इसमें हमने सनग्लास होल्डर भी नहीं लगाया, हमने भैया को बताया था और उन्होंने बोले इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें हमने RD ब्रांड का गियर लॉक भी लगाया है, तो ये भी आप लोगों के सामने है। N10 होने के बाद भी विजय भैया काफी चीजें हमने इसमें भैया ने कराया, और काफी सारे चीजें हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे क्लाइडिंग वगैरह, टायर व्हील क्लाइडिंग बताना। इसकी ऑल ओवर पूरी बलेरो नियो की एसेसरी और पार्ट से मेरी गोदाम फुल है। ठीक है भाई, मतलब बलेरो नियो की मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो ना, इतनी मॉडिफिकेशन आपने पूरे करोल बाग में कहीं नहीं देखी होगी। तो कार के ओनर भैया हमारे साथ आ चुके हैं, जानते हैं कहाँ से हैं और क्या नाम है। वेलकम टू क्रिस्टल कार केयर भैया, क्या नाम है आपका? हेलो भैया, मेरा नाम संजय सिंह है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आया हमारी शॉप पे भैया? मैं ये फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसे पता चला भैया शॉप के? मैंने बहुत सारे आपके यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह देखी थी, क्योंकि मैंने देखा था कि भैया बोलेरो से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी फिटमेंट्स दे रहे हैं, जो एक्सटर्नल फिटमेंट होती हैं सारी। ठीक है, तो विजय भैया N10 रहने के बाद भी भैया को आपने काफी चीजें, मैं बोलूं तो गाइड करी, काफी चीजें भैया ने लगाई हैं। और मैं तो इससे ज्यादा इनको बताया था। ठीक है, जो भी भैया की जोत की चीजें लगी उन्होंने लगवाए हैं। ठीक है, और चीजें भी लग सकता है इसके अंदर। ठीक है, और काफी चीजें जैसे भैया ने बताई, और N10 होने के बाद भी भैया कंपनी से काफी चीजें नहीं आती, सीट कवर भी नहीं आते हैं, और बाहर की भी कुछ लाइटिंग वगैरह में देखो नहीं आता, स्टीयरिंग कवर नहीं आता, म्यूजिक जो है वो कैनवुड का होता है जिसमें FM के सिवा कुछ नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, होता और FM होता बस। बिल्कुल, तो कुछ नहीं होते इसके अंदर, मैट नहीं होते, रूफ रेल नहीं होता, रियर गार्ड नहीं होते, ये सारे मतलब टॉप मॉडल के बाद भी कुछ नहीं मिल जाएगा आपको यहाँ पे, मतलब सारी चीजें। बाकी भैया मैं आपसे पूछूं, सारी चीजों की फिटिंग हो गई है जैसा वीडियो में दिखाया जाता है, सारी चीजें वैसी ही मिली आपको यहाँ पे? जी भैया, मुझे लगता है कि सामने खड़े होकर काम करवाना और वीडियो में देखने में थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ एक चीज का फर्क रहता है। ठीक है, लेकिन हालांकि आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क। ठीक है, भैया ने जो किया है। तो ओवरऑल मैं पूछूं, जैसे सीट कवर्स वगैरह में बैठे हुए, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो कंफर्टेबल है बैठने में? काफी कंफर्टेबल, थाई सपोर्ट वगैरह प्रॉपर फील हो रहा है? प्रॉपरली इसके बारे में यही सुन के आया था कि भैया अलग से थोड़ा थाई सपोर्ट देते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से गाड़ियां हैं ये, उसमें थोड़ा सा सीट कवर जितना कुशनेबल हो उतना ही आपको
विजय भैया कुछ पूछना चाहते हैं? और बस जो भी आपने फ्लोटिंग कराया, सीट पर लगवाया, म्यूजिक लगवाया, स्पीकर लगवाया, कुछ लगा कि आपकी गाड़ी में काम किस तरीके का हुआ, बेहतर है या सिर्फ यूट्यूब पे दिखाया ही जाता है? देखिए काम जो सामने से मैंने देखा है वो अच्छा काम है, ठीक है, लड़के काफी एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, और अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे तो सब ओके लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, ओवरऑल सेटिस्फाइड है मैं पूछूं। दोस्तों को जरूर रिकमेंड करना भैया, बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा। तो थैंक यू सो मच भैया अपना टाइम देने के लिए। विजय भैया आपको भी थैंक यू। तो गाइज ये थी अपनी बलेरो नियो की मॉडिफिकेशन, और बलेरो नियो की भरपूर मॉडिफिकेशन अपने पास अवेलेबल है, पूरे करोल बाग आप ढूंढ लो, इतनी मॉडिफिकेशन नहीं मिलेगी जितनी विजय भैया के पास आपको मिलने वाली, पूरी दिल्ली ढूंढ लो भैया कह रहे हैं। और जैसे हमारे भाई लोग दूर दूर से आ रहे हैं, नैनीताल से भी गाड़ी आई हुई है विजय भैया, काफी दूर दूर से भाई आते हैं, वो इसी ट्रस्ट पे आते हैं कि भाई उनकी बलेरो ना जो आई है और जो जाएगी उसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस मिलने वाला है उनको। तो भाई मॉडल आपका N4O से N10O कोई सा भी ले आना, बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन होने वाली है। तो करते हैं आज की वीडियो यही खत्म, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।